हरे कृष्णा, आज का पिक कार्ड रीडिंग है। आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो आपको अपना दोस्त या बेस्ट फ्रेंड मानते हैं? मैंने यहाँ पे 3 रोज रखे हैं। यह पहला रो, यह सेकंड रो और यह थर्ड रो। वापस से देखिए, यह थर्ड, यह सेकंड और यह फर्स्ट। मैं काउंट डाउन डाल दूंगा ताकि आपको सोचने का थोड़ा और समय मिले। अब देखते हैं डेक नंबर 1। मेबी, यानी कि शायद वो आपको अपना दोस्त मानते हैं या बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। पहला कार्ड आ गया आपको फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप उनके लिए बहुत मैटर करती है और वो फ्रेंडशिप के मायने बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हमेशा आपको सक्रिय सभा करने के लिए रेडी रहते हैं। न्यू स्टार्ट, हमेशा एक न्यू स्टार्ट लेने को तैयार होते हैं, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हैं और आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस उनको मिलती हैं, उसमें से कौन सा ज़्यादा चॉइस अच्छा हो उसे चूज करना यह हमेशा करते हैं। गुड डिसीजंस, तो वो जो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा एक लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होता है। इसके लिए जो भी उनके डिसीजन होते हैं वो गुड डिसीजन टर्न आउट होते हैं। डिटर्मिनेशन, ध्येयवादी हैं और हमेशा डिटरमाइन रहते हैं कि कौन सी चीज़ करनी है और कैसे करनी है। फन, जब वो आपके साथ होते हैं तो बहुत सारा फन करते हैं और आप भी उसे बहुत अच्छे तरह से उस एंजॉय को, इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स, उनका प्रभाव आपके ऊपर और कई सारे लोगों के ऊपर झट से पड़ता है और आप उनसे प्रभावित होते हैं। फॉल्स फ्रेंड्स, तो जो भी फॉल्स फ्रेंड है उनको ये ढूंढ निकालते हैं और उनसे बच के रहते हैं। हैप्पी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप जो है वो हमेशा हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप को एक नया मुकाम हासिल करने देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। डिसेप्शन, अगर उन्हें लगे कि किसी रिलेशनशिप में डिसेप्शन होने वाला है तो या तो वो रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं या मूव ऑन होते हैं। अब देखते हैं दूसरे ओरेकल, यहाँ पर भी सेम कार्ड है फ्रेंडशिप। तो वो फ्रेंडशिप को बहुत मायने रखते हैं और फ्रेंडशिप के लिए ही वो जीते हैं और हमेशा सक्रिय सपोर्ट करते हैं। रे ऑफ होप, आप कितने भी दुख में क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा आपके लिए रे ऑफ होप रहते हैं। आपको रूठना, अगर आप रूठे हुए हैं तो आपको मनाने का काम वो करते हैं। हैप्पीनेस, हमेशा हैप्पीनेस में रहते हैं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने के लिए कोशिश करते हैं। चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस उनको मिलती हैं, उनमें से सही चॉइस वो कर लेते हैं। जस्ट बी योरसेल्फ, फ्रेंडशिप में वो आप कुछ स्पेशल बने इसके लिए ट्राई नहीं करते, जबकि आप जैसे हो उसी तरह से आप वो आपको पसंद करते हैं। मैसेज, हमेशा उनके मैसेजेस, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलते रहते हैं। न्यू स्टार्ट, हमेशा एक नया स्टार्ट लेने के लिए रेडी रहते हैं। एडवेंचर, एडवेंचरस चीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स में उनकी काफ़ी रुचि है। और सरप्राइज देने में ये एक नंबर है। तो ये था रीडिंग डेक नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 2 का रीडिंग। यस, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। पहला कार्ड है जनरस, तो उनका जो अप्रोच होता है आपकी तरफ, दुनिया की तरफ, वो बहुत ही जनरस होता है और बहुत ही अच्छा एटीट्यूड वो हमेशा मेंटेन करते हैं। एम्बिशन, एम्बिशियस रखे हुए हैं और दूसरों को भी बहुत सारा मोटिवेशन देते रहते हैं। इंट्यूशन फीलिंग्स, अपने सिक्स सेंस के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं और जैसे ही सिक्स सेंस उनको मिलता है तो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। हार्डवर्क पर बिलीव करते हैं और हार्डवर्क करते हुए ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। स्टेबल,
उनकी रिलेशनशिप हमेशा स्टेबल रहती है और स्टेबल माइंडेड ये होते हैं, एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं ताकि कुछ भी नेगेटिव ना हो। इमोशन, इमोशंस को ज़्यादा टटोलते हैं ठीक तरह से और लाइफ में मूव ऑन होते हैं। कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, इनका प्रभाव आप भी महसूस करते हैं। फाइनल कार्ड है बिजनेस माइंडेड, तो उनका जो माइंड है वो बिजनेस माइंडेड है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं दूसरी ओरेकल, डोंट वॉन्ट टू लूज, तो ये किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को लूज करना नहीं चाहते, उसे मेंटेन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। कम्युनिकेट, उनको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेट करने के साथ ही वो फ्रेंडशिप को बरकरार रखते हैं। कॉफ़ी, आपके साथ चाय कॉफ़ी पीने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, स्नैक्स टाइम हमेशा आपके साथ ढूंढ लेते हैं। बॉन्डिंग, अब उनकी जो बॉन्डिंग है रिलेशनशिप में वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही नाजुक बॉन्डिंग होती है जो आपको समझ में आती है। लाइफ इज अ राइड लाइक रोलर कोस्टर, जैसे रोलर कोस्टर होता है उसी तरह से लाइफ है, इसका मीनिंग उनको ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते हुए रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। डिस्कशन, हर चीज़ पर हर बात पर जब आपको कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए रेडी रहते हैं, अपना टाइम वो आपके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो है, वो बहुत ही अच्छी तरह से आगे मूव ऑन होते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उनके पास होती है और कुछ ना कुछ एडवाइसेस वो आपको देते रहते हैं। फोकस, उनका ज़िंदगी के ऊपर जो फोकस रहता है वो कभी हटता नहीं है, बल्कि वो फोकस हमेशा मेंटेन करते हैं। जॉब चेंज, तो कई बार वो आपको कोई एडवाइस देते होंगे, जैसे किसी जॉब को ट्राई करना है या जॉब को चेंज करना है, और वो आप फॉलो भी कर सकते हैं। चीयर अप, अगर आप रूठे हुए हैं तो आपको मनाने का काम भी वो करते हैं, आपको हमेशा चीयर अप करते हैं। ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस वो अपने हाथ में रखते हैं ताकि उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ड्रीम लैंड, आप अपने सपने उनके साथ शेयर कर सकते हैं और सपनों की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में ख्वाब पूरे करने के लिए वो आपको मदद करते हैं। लॉन्ग वे, तो मंजिल तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है उतने समय तक वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। और फाइनल कार्ड है आपके लिए क्वारल, तो छोटी मोटी लड़ाई या झगड़े आपके साथ होती होंगी, लेकिन यही चीज़ें हैं जो आपको एक दूसरे के साथ बांध लेती हैं। अब देखते हैं तीसरा ओरेकल डे, नहीं, इंस्पिरेशन, वो आपके लिए इंस्पिरेशन होते हैं और वो आपको हर समय इंस्पायर करने के लिए कोशिश करते हैं। ऑल इज नॉट एज बैड एज यू थिंक इट इज़, जब कोई घटना होती है तो वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, ऐसे तरह से आपको मोटिवेट करने का काम वो हमेशा करते रहते हैं। लीडरशिप, तो एक लीडरशिप की क्वालिटी उनमें है, और क्योंकि ये क्वालिटी वो मेंटेन करते हैं तो कभी आपको ऐसा लग सकता है कि दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द रिलेशनशिप, जबकि ये उनके अंदर के स्वभाव के अनुसार वो ऐसा बिहेव करते हैं। फियर, कोई फियर आपको लगा रहता है कि शायद रिलेशनशिप टूट ना जाए, इसके लिए आप रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए जो मुमकिन प्रयास हो सके वो कर सकते हैं या करते हैं। डेस्टिनी, डेस्टिनी डिसाइड कर रही है कुछ चीज़ें आप दोनों के लिए, तो ये एक बेहतरीन बात है। केयरिंग फॉर अदर्स, वो हर दूसरे व्यक्ति के लिए केयर दिखाते हैं। जेंटल अप्रोच, उनका जो अप्रोच है दुनिया की तरफ वो बहुत ही जेंटल है। सेंटर स्टेज, वो हमेशा अपने आप को सेंटर स्टेज में रखते हैं, इसके वजह से कई लोगों को परेशानियाँ हो सकती हैं। फेट, तो जो अपना नसीब है वो कमाल दिखाता है, और कई बार नसीब के कारण ही आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल होने से बच जाती है। मटेरियलिस्टिक, उनका जो एटीट्यूड है वो मटेरियलिस्टिक होता है, वो इमोशंस को बहुत कीमत नहीं देते। इमोशनली मैच्योर, इमोशनली मैच्योर है, कब कैसे कहना है, क्या कहना है, कब कौन सा एक्सप्रेशन लाना है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखते हैं दूसरी ओरेकल, एंजॉय, लाइफ की हर मोमेंट को वो एंजॉय करना पसंद करते हैं। एक्साइटेड, हर समय एक्साइटेड रहते हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई तो वो एक्साइटमेंट की लेवल क्रॉस करते हैं। डू सम फन, उनको फन करना बहुत अच्छा लगता है और ज़िंदगी में इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस, तो कई बार आप दोनों के बीच डिफरेंसेस आ सकते हैं, जहाँ पे कुछ गलती हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो और इसके ऊपर आपके दोनों में बहस छिड़ सकती है। बी केयरफुल, तो आपको इस रिलेशनशिप को अगर निभाना है तो थोड़ा केयरफुल ही रहना होगा, ताकि आपकी कोई भी बात उनको हर्ट ना कर सके। एन्जॉय लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें एन्जॉय करना सीखें।
लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव पर जाना उनको पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पर जाना वो आपको भी पसंद करते हैं। कैंप फायर, आप दोनों एक साथ कैंप फायर कर सकते हैं या फिर किसी ट्रैवलर जर्नी के लिए निकल सकते हैं। केयर फ्री, उनका जो एटीट्यूड है दुनिया की तरफ वो केयर फ्री है, वो दूसरों के बारे में टेंशन नहीं पालते। लिटिल जॉय, छोटी छोटी खुशियाँ प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। मीट समवन, तो उनके ज़िंदगी में और फ्रेंड्स कैसे जमा होंगे, कैसे वो और कई लोगों को मिल सकते हैं, इसके लिए वो हमेशा ट्राई करते हैं। टुगेदरनेस, उनको हमेशा किसी ना किसी का साथ पसंद होता है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये बात वो बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। सॉरी, अगर कभी गलती हो जाए तो सॉरी कहने के लिए भी रेडी रहते हैं। हॉबी, अपने हॉबीज़ में बहुत सारा इंटरेस्ट लेते हैं। और फाइनल कार्ड है आपके लिए म्यूज़िक, तो म्यूज़िक उनको बहुत पसंद है। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू।